Hello dear students, a very warm welcome to all of you in another video of Systematic Study Academy. So, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारा एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में कि नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। So, let's अपन ने जब इनकम मेथड पढ़ा था तो इनकम मेथड में अपन कैलकुलेट करते थे जितनी भी अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में इनकम हो रही, सारी इनकम्स को ऐड करने के बाद हमें मिल जाती थी हमारी नेशनल इनकम। अब हम ऐड करेंगे अपनी सारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी हमारी नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर। जैसे हमने नेशनल इनकम इनकम मेथड से कैलकुलेट करना था तो हम जितनी भी इकोनॉमी में और एक्सपोर्ट करके जो हमारी इनकम हो रही थी तो हम सारी इनकम्स को ऐड करने के बाद हमें मिल जाती थी नेशनल इनकम इनकम मेथड से। बट अगर अपन को एक्सपेंडिचर मेथड करना है जितनी भी तुम्हारी इकोनॉमी में खड़ा और बाहर से जितना भी खर्चा हो रहा नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, बाहर से जितना भी खर्चा हो रहा उन सबको ऐड करने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगी नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब इसी को अपन किससे देखेंगे, अपने पहले इसको एक बार पैराग्राफ को रीड कर लो। एक नेशनल नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर में एक पूरे साल भर में जितना भी खर्चा हुआ उन सबको ऐड करने के बाद अपन को क्या मिल जाएगी हमारी नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर में। अब सुनो इसी को अपन किससे देखेंगे, अपने फार्मूला से पढ़ के आ रहे हैं। सबसे पहले अपन नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड हमने जब वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था उसमें बताया था कि सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी, और जब इनकम मेथड पढ़ा था उसमें हमने बताया था क्या कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट एमसी, ठीक है। और इधर जब अपन एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो इधर अपन क्या करेंगे वैल्यू एडेड मेथड से। समझ आया, जो वैल्यू एडेड मेथड से कैलकुलेट किया था वैसे ही अपन इसको एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट क्या करेंगे, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जब अपन सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे थे तो हमने कुछ चार सेक्टर बताए थे। हां वो हाउसहोल्डर हाउसहोल्ड सेक्टर सेक्टर और अपना है गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर और फिर अब एक और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो अपना हाउस होल्ड खर्चा करता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जो हाउस होल्ड खर्चा करता है उसको अपन क्वेश्चन में अपन को लिखा मिल सकता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका मतलब जो हाउस होल्ड के लोग अपने कंजम्पशन के लिए खर्चा करते हैं वो खर्चे को अपन को इधर अमाउंट लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल जाएगा। सेक्टर क्या करेगा, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खर्चा करेगा, पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्चा करेगा, तो वो खर्चा अपन किस पे डाल देंगे, किधर कैसे लिखा मिलेगा अपन को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समझ आ गया इतना। अब अगला है अपना कौन सा था सेक्टर, एक तो हाउस होल्ड हो गया और अगला सेक्टर अपना था बिजनेस सेक्टर या फिर फर्म्स। तो अब अपन बिजनेस सेक्टर में अपना खर्चा कैसे करेंगे, तो बिजनेस में जब अपन पैसा लगाते हैं सर्कुलर फ्लो में जब पढ़ा था जब इन्वेस्टमेंट करते हैं अपन लोग, ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें खर्चा ही तो होता है एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो वो अपन जो बिजनेस सेक्टर में एक्सपेंडिचर दिखाएंगे वो किस नाम से दिखाएंगे अपन को, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जी आएगा बिजनेस सेक्टर का। बिजनेस सेक्टर का खर्चा खर्चा अपन को कैसे दिखाएंगे, ये लिखा हुआ मिल सकता है या फिर इसकी जगह अपन को लिखा मिल सकता है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसका मतलब जो अपन कैपिटल बनाने के लिए जो पैसा अपन लोग लगाते हैं बिजनेस में उसको क्या बोलते हैं डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो समझ आ गया, जो अपन ने सर्कुलर फ्लो में दो सेक्टर थे अपने, एक हाउसहोल्ड सेक्टर उसका तो प्राइवेट कंजम्पशन के नाम से आ जाएगा और जो अपना बिजनेस सेक्टर रहेगा उसका किससे आ जाएगा अपना डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। समझ आ गया। अब अपना तीसरा सेक्टर कौन सा, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के खर्चे कैसे होते हैं,
गवर्नमेंट के वो सब्सिडीज वगैरह दे देती है। तो गवर्नमेंट वो किस नाम से मिलेगा अपन को? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगला सेक्टर क्या बचा अपना? रेस्ट ऑफ गवर्नमेंट। देखो जो अपना हाउस होल्ड और ये जो गवर्नमेंट है दोनों के नाम सेम है, बस हाउस होल्ड की जगह क्या आ गया? प्राइवेट आ गया, और गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट में क्या आ गया? गवर्नमेंट। अब लास्ट बचा है अपना क्या? फाइनल, सो मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे अपन? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जब अपने सर्कुलर फ्लो पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि अब या तो अपन इम्पोर्ट कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब अपन नेट अपन इसमें ऐड क्या कर देंगे? नेट एक्सपोर्ट। क्या ऐड कर देंगे? नेट एक्सपोर्ट। अब ये नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? जब अपन एक्सपोर्ट में से क्या माइनस कर देंगे? इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से मतलब जो बाहर की चीज आई है, और एक्सपोर्ट मतलब होता है कि अपना इंडिया से अपनी इकोनॉमी से बाहर कोई चीज गई तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। और उसको एक्सपोर्ट को इंडिकेट किससे करते हैं? अपन एक्स से इंडिकेट करते हैं। और इंपोर्ट को किससे इंडिकेट करते हैं? एम से। इंपोर्ट का मतलब जो चीज बाहर से अपने इकोनॉमी में खरीद के आई है, ठीक है। जब दोनों को माइनस करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? अपना नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। जब इन सबको अपन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमारी जीडीपी एट एमपी। लेकिन अपन को क्या चाहिए पड़ता है? एनएनपी एट एफसी। आप वो इसलिए उसमें पहले इतना समझ में आ गया? हां बिल्कुल, सिंपल सा है। अब इतना देखो, अब जो अपना बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अपन को क्या कर सकते हैं? अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं इसके अंदर ही फॉर्म। हां सब सबसे इजी मेथड ये एक्सपेंडिचर समझ लो, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ तीन ही फॉर्म्स आएंगे। हां अनुबंध बहुत था उसमें, बहुत सारे थे और हेडिंग थी, मतलब सिंपल थे। लेकिन ये है अभी ये जो तुम्हारा बिजनेस में तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत फॉर्म्स कर सकते हैं। जैसा तुम्हारा पेंशन करना, जैसा है तुम्हारा ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, मतलब बिजनेस में जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो अपनी फिक्स्ड कैपिटल लगाते हो उसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। समझ आया? ग्रॉस मतलब आपने बिजनेस में पैसा लगाया। ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा अपन अपने बिजनेस में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा फॉर्म अपना क्या सकता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री क्या होता है? जो भी अपन ने अपने इन्वेंट्री को बढ़ाने के लिए जितना भी स्टॉक वगैरह रखने के लिए जो इन्वेंट्री रहती, वो इन्वेंट्री बनाने के लिए जितना भी अपन ने पैसा लगाया उसको अपन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सॉरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और तीसरा फॉर्म अपना हो सकता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब रहने के लिए अपन ने जो भी खर्चा किया है अपने, ठीक है, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो वो एक तीसरा फॉर्म है अपना रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। बस ये सब कुछ अपन को अगर डिटेल में क्वेश्चन मिलेगा तो ये बिजनेस सेक्टर के ये फॉर्म में दे सकते हैं मतलब क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा प्लस करने के लिए ठीक है। तो अपन को अगर ये सारी चीजें दी होंगी तो सबको अपन को क्या करना है इसमें? ऐड करना। तो अपन को क्या मिल जाएगा अपना? जीडीपी एट एमपी। अगर अपन को चाहिए एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एफसी। तो अपन अब क्या करेंगे? जो अपना मार्केट प्राइस है उसको फैक्टर कॉस्ट में करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जीडीपी एट एफसी बनाने के लिए क्या करेंगे? जीडीपी एट एमपी में से अपन माइनस कर देंगे हमारा डेप्रिसिएशन। ये तो अपना वैल्यू एडेड मेथड जैसा सेम ही है बिल्कुल। हां अब हमें मिल जाएगा n, आगे आपको मिलेगा n क्या होएगा? n dp। अब देखो अब अपन का फैक्टर कॉस्ट निकल गया, अब अपन को नेट चाहिए। अभी ग्रॉस में तो हमें क्या चाहिए? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? जो ये अपना gdp एट fc निकला, gdp एट fc में से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट। तो मिल जाएगा हमारा एनडीपी एट एफसी। हमें चाहिए एनएनपी एट एफसी। अब एनएनपी एट एफसी क्या निकलेगा? जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नेशनल प्रोडक्ट में। अब अगर लगा कि एनएनपी एफसी चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी एट एफसी को और क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम, ठीक है ना। अभी एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा? जब हम एनडीपी एट एफसी में ऐड कर देंगे हमारी नेट फैक्टर इनकम from abroad। समझ आया? सिंपल सा था ये क्या हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सर एक चीज कंफ्यूज है, पहले मैंने कुछ हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, अगर कुछ भी समझ नहीं आया उसमें तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सो आगे के जो हमारे न्यूमेरिकल्स है वो करेंगे हमारे तीनों।
अब क्या रह गया हमारा न्यूमेरिकल्स पार्ट, और ये जो न्यूमेरिकल्स है हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में, और ये तीनों सारे और जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो करेंगे हमारी अगली वीडियो में विद तीनों मेथड से, हमारा वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से एंड हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से। सो आज के लिए बस इतना ही, काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो माय सेल्फ एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेस वीडियो, सो कैन स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।